छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी संदीप शर्मा ने कृषि मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि मंत्री द्वारा लगातार खाद की आपूर्ति को लेकर गलत बयानी की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद की कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार की बयानबाजी पिछले साल भी की गई थी और कहा गया था कि खरीफ के लिए केंद्र ने मात्र 6 लाख टन खाद ही दिया गया, जबकि बाद में राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में 11.8 लाख टन खाद का वितरण बताया गया, जबकि केंद्र सरकार पर्याप्त खाद भेज रही है। कृषि मंत्री जी का केवल एक काम है, रोज आओ टेलीविजन में और एक गलत आंकड़ा भरोस करके चले जाओ। उनके इस तरह से गलत आंकड़ा पेश करने से राज्य में किसानों के बीच एक पैनिक फैलती है और व्यापारियों को कालाबाजारी करने का अवसर मिलता है। मुझे लगता है ऐसा करके वो कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाहते हैं और कहीं न कहीं किसानों से वसूली का कोई चक्र चल रहा है। किसानों से जो गोबर खरीदी में घोटाला इन्होंने किया है, उस घोटाले की आपूर्ति के लिए ये जो एक फर्जी खाद बेच रहे हैं उसे भी किसानों को जबरन बेचने के लिए ऐसा कुचक्र फैलाते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी जिस समय हमारे खरीफ की फसल की बारी थी तब इन्होंने ऐसे ही फैलाया कि राज्य से हमको 6 लाख टन से ज़्यादा खाद नहीं मिला, लेकिन बाद में जो इन्होंने आंकड़े जारी किए उसमें इन्होंने 11 लाख 80 हज़ार टन खाद किसानों में वितरण का आंकड़ा दिया।